लीला नीला पाकिस्तान का यूपी को कैम करने बड़े मौका से और बड़ी उससे दुआएं दी हैं। यूपी का हाल है कि मैं 5 तारीख को मैं रिव्यू होगा और आपको तो अल्लाह का करम मैं न्यूग्राफी से मामला चल गया और मुझे सिर्फ एहतियात करनी है और कोई मतलब नहीं। अब जहाँ तक मेरा दिल का सवाल तो बहुत पहले ही आ गया और सब कहते हैं कि दिल तो पागल है तो अब इस दिल को तो संभालना तो पड़ेगा। खैर एक शेर नज़र करता हूँ कि दिल दबाना था तो हमने भी बड़े काम किए, दिल दबाना था तो हमने भी बड़े काम किए, दिल शिकस्ता था मगर अभी बड़े काम का है। ये मेरी एक छोटी सी तहरीर है पर इसमें सबसे पहले थोड़ा सा मैंने तारुफ भी करवा है जैसे कि तारुफ जमान की क्या होते हैं। इसका उनवान है वतन की मोहब्बत से सरशार ए गरीबुद्दियार मोहम्मद जमी है। अंजुमन तरक्की उर्दू की आज की तारुफी नशिस्त में मेहमान आजाद स्वीडन से तशरीफ लाए मोहम्मद जमी एहसन एक बहुत उम्दा खताब बहुत अच्छे शायर बहुत दिलकश शख्सियत के मालिक और एक अच्छे इंसान। मोहम्मद जमी एहसन का ताल्लुक एक ऐसे कामगार खानदान से है जो खत्ताती के मैदान से शहसवार हैं। इनके बड़े भाई इब्ने करीम एहसन निजामी जिनका मार्च 2017 में इंतकाल हो गया वो न सिर्फ आलमी सतह के खत्ताब थे बल्कि खते राना के मुजीद थे और इनके खत को बैन अवी सतह पर पेराई भी हासिल हुई। इब्ने करीम के छोटे भाई हमारे आज के मेहमान आजाद मोहम्मद जमील एहसन भी एक माहिर खत्ताब हैं और खते नस्तालिक के माहिर। इब्ने करीम के 3 बेटे खत्ताबी से वाबस्ता हैं जमाल मोहसिन जो आज महफिल में हाजिर हैं मोहम्मद मुख्तार अली जो एक तवील मुद्दत से सऊदिया में गुजार कर मुल्तान आ गए हैं और तीसरे बेटे मुबशर करीम जो मुल्तान में रहते हैं। मोहम्मद मुख्तार अली कराची आए तो अंजुमन ने उनके एजाज में भी एक नशस्त की थी और उनकी खत्ताती का नमूना आज इस कमरे में जो बड़े की शक्ल में आवेदा है वो जो लिखा हुआ है और इसके अलावा भी जैसे डॉक्टर फातिमा ने बताया कि वो हमारे रिसाले से और बहुत मुंसलिक हैं और जब भी कोई ग्रुप पड़ती तो अपनी खत्ताती के नमूने वहाँ भेजते हैं। मोहम्मद मुख्तार अली खते सुल्स में कमाल करते हैं। मोहम्मद जमाल मोहसिन ने खते कूफी में अपने जोहर दिखाए हैं और तीसरे बेटे मुबशर करीम अपने वालिद का एजाज करता खत फते राना में कमाल हासिल करते हैं। मोहम्मद जमील एहसन पाकिस्तान आते हैं तो मुल्तान के अलावा कराची भी आते रहते हैं, उनका अपना एक घर कराची में भी है। 5 जुलाई 2017 को मेरी एंजियोग्राफी हुई और मैं वार्ड में दराज था कि जमाल मोहसिन का फोन आया तो चचा जमील एहसन के साथ में आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों मेरे वार्ड में पहुँच गए। जमील एहसन को मैं 25 बरस के ताल्लुकात के बावजूद पहली मरतबा देख और मिलना था। जो खुशी का आलम था वो एक ऐसे हमदमे रहीना से मिलने जैसा था जो मसीह के दर की मुलाकात से कहीं पड़ गया था। ये सूरत हाल जमील एहसन की थी। हजरत के जो तरह से मुख्तसर सा तारुफ था मैंने जो छोटा सा एक मजमून है ये उनकी शायरी भी लिखा। ये उनकी चौथी किताब हिजरतों के सफर है क्योंकि वो किताब जो मैंने पढ़ी थी तो उस वक्त जो ख्याल आया उसको पढ़ने के क्योंकि वो असल दुनिया को हिजरत था उस किताब को मैं हिजरत था। अब मैं वो मजमून शुरू करता हूँ। ख्वाब इंसान की कमजोरी भी हैं और जिंदा रहने का हौसला भी। जमाना दर हकीकत दुनिया ख्वाब ही के बल मुद्दे पर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खींच रही है। ये ख्वाब सोची आँखों भी देखा जाता है और जाती आँखों भी। मैंने ये ख्वाब को इंसान की कमजोरी और जिंदा रहने का हौसला कहा है वो जाती आँखों के ख्वाब है। ये ख्वाब दौलतमंद बनने के लिए भी देखे जाते हैं, शोहरत कमाने के लिए भी, मौजूद और मोतबर होने के लिए भी देखे जा रहे हैं और इज्जत व एहतराम हासिल करने के लिए भी और इस जन्नत के लिए भी जो परदेश में बसी हुई है जिसे असर जदीद के शब्दातों ने तामीर किया है और परदेश की जन्नत देखने वालों को ये बात मालूम नहीं कि जन्नत दर हकीकत एक ख्वाब है ऐसे ख्वाब जिसकी कोई ताबीर नहीं। सुना है आसमान से दूर एक जन्नत की बस्ती है जमीन पर हर नजर उसकी ज्यादत को तरस मगर इस नाम निहाद जन्नत नदी बस्ती का हाल तो वही बता सकते हैं जो इस बस्ती के सहार में असीर हो गए
या उसकी शराब की नज़र, और नतीजतन अपना आप भी खो बैठे बकौल शायद, जब मैं खुद को भी मैसर नहीं होने पाऊँगा। और जब इस अलमिया की में तन्हाई का एक ऐसा तभी रस्ता इंसान को मुसलत हो जाए तो फिर दो ही नतीजे सामने आते हैं। अगर इंसान हौसलामंद है तो किसी ना किसी बहाने जिंदा रहने की राह तलाश कर लेता है, वगरना इस बेजमीर तहजीब और बेहिज माशरे के सलाम में बहकर खुद को भी बेनाम निशान कर लेता है। जमीर को सलामत रखते हुए जिंदगी की राह तलाश करने में आदमी ऐसे ऐसे कठिन मराहल से गुजरता है कि बस देखिए, जमील अहसन को जो फिक्र माश में जन्नत नुमा बस्ती में पहुँच हो गए, वह चूंकि हौसला मंद है, बादमीर है, मुसलमान है, लिहाजा कैसे कैसे कर्ब से गुजरा। आज बैठे हुए हैं तन्हा हम, आज बैठे हुए हैं तन्हा हम, जब सीने पे लेके क्या क्या हम, चांदनी मरकदों पे उतरेगी, बेकसी का है एक सहरा हम, शहर में आ गए सुकून के लिए, आ गए हसीन धोखा हम, अपनी मासूम ख्वाहिशों के वक्त कर रहे हैं रंगों से सौदा। ये अशार एक ही गजल में है, बाकी अशार भी इसी नोयत में है। जमील अहसन की और गजल देखिए, उसके चंद अशार, जाने के मंदिरों को छोड़ा है हम भरी महफिलों को छोड़ा, आ गए हम गमों की दुनिया में ऐश की जन्नतों को छोड़ा, एक महूम जिंदगी के लिए प्यार की शिद्दतों को छोड़ा, हम करीब तैयार हो गए जमील देश की चाहतों को छोड़ा। मलाजा फरमाया आपने, ये गरीब दया का लोहार जो कहने को यूरोप के हसीन तरीन महदीब और बशहूर मुल्कों में से एक मुल्क में क्या करीब है, जहाँ ना दिलों की महफिलें हैं, न ऐश की जन्नत है, न प्यार में शिद्दतें हैं और न देश की शक्त, न सिर्फ तनाई है, ऐसी तनाई जो दात के अंदर तक फरायत कर रही है, जहाँ का इतनी तादाद में है कि उनका शुमार तक नहीं, गमे जाना गमे दौरा और गमे माश, ये गम तो हमारे गम है मशीक के गम, फिर हमारे गम हैं मशीक के गम हैं, इन गमों में लदते हैं, ये गम जिंदगी का सहारा है, जीने का हौसला है, इन्हीं से रंगीन हयात कायम है, जिंदगी का वकार कायम है। मगर यूरोप के नाम निहाल जन्नतों के गम दूसरे हैं, जिनका कोई इलाज नहीं, जिनमें बजाय लदत के अदाम हैं, जो जिंदगी को हौसला देने की वजह खुशी को मजबूत कर देते हैं। गैर ममालिक में रहने वालों के गम जरा फरजा समझिए, होम सिकनेस, चाइल्ड सिकनेस, वाइफ सिकनेस, फ्रेंड सिकनेस, लव सिकनेस एंड लाइफ। मैं इन अंग्रेजी लफ्जों के मुताबिक अल्फाज दे सकता हूँ, मगर इन लफ्ज में कम जिस पूरी शिद्दत और कर्ब से दायर हो रहा है, उर्दू में शायद वो कर्ब ना मिले। यूरोप के किसी भी मुल्क में जाइए, हर मुल्क में यह अवराध कसरत से मिलेगा, घर में रहते हुए घर की दूरी कर दूँ, बीवी के होते हुए उसकी गुर्बत से दूरी का एहसास बल्कि अलगिया, बच्चों के होते हुए उनकी मोहब्बत से महरूमी का सदमा, दोस्त अहबाब के होते हुए हम जबान और हमदर्द की कमी का एहसास, जिंदगी की हकीकी खुशियों से यकसर आरी होने का खौफ, ये अमराज सिर्फ और सिर्फ यूरोप की पैदावार है। अल्हम्दुलिल्लाह क्या अभी हम एशियाई लोग इन अमराज से कदरे महफूज हैं। मनाता हमारी मेरे इस्लाम की टाइम में जमील अहसन की जैसा हर शख्स अपनी जात में रजू सा लगे, अपनी ख्वाहिशात में महसूस सा लगे, पहला मेहनत कहाँ, दोस्ती कहाँ, शहरा के पास रहने भी वो दूर सा लगे, दौलत ने चांस दी है लोगों की जो कभी दिल्ली सुकून ना हो तो वो मजबूर सा लगे, हर शख्स को किसी न किसी से है तनाव, हर शख्स अपनी खुद में मकरूब सा लगे, दोनों जहाँ जी के तस्वरूप में हो जमी झोली होगी इसकी तारी वो मजबूर सा लगे। मजीद बना जमील अहसन की एक नज़्म, इन शहरों में रहना चाहता तो मेरे ख्यालात की मुकम्मल ख्याला से मुकम्मल इतफाक करते हैं। मलाजा फरमाइए, इन शहरों में रहना चाहता, बोझ गमों का कहना चाहता, जहाँ ना दिल का खाती हो, जहाँ ना संगी बेटी हो, जहाँ ना दिन गमनाक कटे, जहाँ ना शाम तक बेटी हो, इन शहरों में रहना चाहता, जहाँ ना मुर्ख अदाने दें, जहाँ ना चांद सुहाने दे, जहाँ जबान पढ़ाई हो, जहाँ नजर उठाने दें, इन शहरों में रहना चाहता, जहाँ ना फूल में खुशबू हो, जहाँ ना दश्त में आहू हो, जहाँ पे उम्र कटे तरह, जहाँ ना वक्त पे काबू हो, इन शहरों में रहना चाहता, जहाँ पराए रहते हों, जहाँ जहाँ ना प्यार के नगमे हों, जहाँ पराए रहते हों, जहाँ पे खुशहाली हो लगी फिर भी अधूरे सपने हों,
इन शहरों में रहना कैसा, वो लोगों का कहना है। जमी लहसन की महरूमियों का सिलसिला जरा से जमी लहसन ही क्या, यूरोप में मुस्लिम हर पेशाई इन्हीं आदमियों से दोचार है। मलेशिया देखिए, जमी लहसन की बेचारी में कोई साथी है ना कोई तमन्ना है दिल, कोई साथी है ना कोई तमन्ना है दिल, आज परदेश में फिरता हूँ मैं तन्हा है दिल, कल जहाँ साहिल उम्मीद नजर आता था आज बहता है महा दर्द का दरिया है दिल, शहर गुरबत में सिसकते हुए इंसान को देख जैसे भटका हुआ राही हो अकेला है दिल। जमील अहसन अगर के बेवतनी के कर्म में मुद्रा है मगर गरीब उद्यार होने के बावजूद वतन की मोहब्बतों से सशार है, वो वतन से दूर रहकर भी वतन में क्योंकि माली तौर पर वो बड़ा शकुफा युग में मुकीम है मगर रूहानी और घर की तौर पर वतन में है। जमील अहसन की वतन के इब्तदाई और आखिरी चंद मिसरे मराहिदा फरमाइए, इस वक्त में जमील अहसन वतन से मुखातिब होकर उसे यकीन दिला रहे हैं कि वो ना तो वतन से दूर हैं और ना ही वतन को भूले हुए, क्योंकि जमील अहसन की सांस की जो तो वतन की जुल्फों में बधी हुई है। जमील अहसन कहते हैं, ऐ वतन प्यारे वतन, मैंने कब छोड़ा था तुझको, मैं तुझे भूला ही कब था, दूर था तुझे मगर इस दिल में हरदम मौजूद थी तेरी याद, ये एक बंद है और आखिर ऐ वतन कब मैंने छोड़ा था तुझे, मेरे बदन में तेरी मिट्टी की हलावत है, मैं जिंदा हूँ मेरी हस्ती तेरी मकबूल है तेरी अलामत है, मैं सुबह शाम तेरा कैसे छोड़ सकता हूँ, हरा मैं किस तरह तुझसे ताल्लुक तोड़ सकता हूँ। वतन की शाम शायद जमी लहसन के रंग रंग में दौड़ रही है, वतन की खुशबू वतन की मिट्टी और वतन का देख जमी लहसन का वो हसीन ख्वाब है जिसकी ताबीर उसे एक दिन जरूर मिली, जिंदगी जुल्म तो आराम से निकलेगी जरूर, रोशनी पर्दा आफाक से फूटेगी जरूर, सुबह सादे की निदा देगी चराबों की थकन, आपके वक्त से फिर कौन भी जागेगी जरूर, देश की गलियों का अहवान सुनाने के लिए एक अबाबील मेरी छत पर उतरेगी जरूर, दक्षिणा मछली पानी में रूह का समंदर लफ्ज पर रखते हैं। इन तीन मजमुओं के बाद हिजरतों के सफर में जमील अहसन ने अपने हिजरतों का सारा कर दर्द दुख कैसे सिमट दिया है, मगर इसके साथ साथ जमील अहसन ने उम्मीद यकीन और हकीकत की निशानदेही भी कर दी है। जमील अहसन को उम्मीद है क्योंकि वो जानते हैं कि मायूसी कुफ्र है और एक इंसान के लिए हिम्मत हारना उसकी मर्दानगी और शान के खिलाफ है। जमील अहसन मायूस नहीं, वो जानते हैं कि जब अमल में रुकावट हो तो हौसला हिम्मत बढ़ाता है, और जमील अहसन हौसलामंद भी हैं और बाहिम्मत भी। मैं हूँ प्रदेश में जमील मगर हौसले दे रही है यादें। Thank you.